वेलकम टू विंग से गुड़ान। कैसे हैं सब? माय नेम इज़ रजत। हम अपने कल्चर एंड हेरिटेज लेक्चर सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज सिक्स्थ लेक्चर लेके आया हूँ, जिस पे हम डिस्कस करेंगे अबाउट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया। जो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है मेरे अकॉर्डिंगली, जो क्वेश्चन आ सकता है या इस टॉपिक से आएगा या डांस से आएगा, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी। बाकी टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, बट ये टॉपिक तो आपको किसी भी हालात में ये दो टॉपिक नहीं छोड़ने हैं, एक यूनेस्को वाला ये वाला टॉपिक और एक जो डांस वाला हमने चैप्टर किया है। आज हम इसमें बिल्कुल, मैं आपको वीडियोस के थ्रू दिखाऊंगा क्या क्या पढ़ना है, किस तरह बताऊंगा और वीडियोस आपको दिखाऊंगा, आपको मजा आएगा पढ़ने का, जैसे हमने डांस में किया था। देखो, सबसे पहले यूनेस्को। यूनेस्को क्या है? इट इज यूनाइटेड नेशन, इट इज यूनाइटेड नेशन। ई मीन्स एजुकेशनल, एस मीन्स साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मतलब कि इस यूनेस्को क्या है, इट इज एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, कि जो हमारे पूरे वर्ल्ड में जो हेरिटेज हैं, हेरिटेज मीन्स जो हमने, हमें जो मिली हैं अपने बुजुर्गों से और जो हमें आगे ट्रांसफर करनी है, उनको प्रिजर्व करने का, उनको आइडेंटिफाई करने का, उनको कंजर्व करने का जो ठेका लिया हुआ है वो किसने लिया हुआ है? यूनेस्को ने। ठीक है, कौन कौन सी? कल्चरल एंड नेचुरल साइट्स के रिलेटेड, कि जो भी हमारे वर्ल्ड में जो भी इंपॉर्टेंट कोई ऐसी साइट है जिसकी कोई यूनिक करेक्टरिस्टिक फीचर है, उसको यूनेस्को क्या करता है, पहले आइडेंटिफाई करता है उस पर्टिकुलर साइट को, फिर उसको प्रोटेक्ट करता है और फिर कंजर्व करने के एफर्ट्स लगाता है, तो उन साइट्स को बोला जाता है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। और इसी, और ये जो इस ट्रीटी जो है, इसके रिलेटेड जो कन्वेंशन है, दैट इज कन्वेंशन कंसर्निंग द प्रोटेक्शन ऑफ वर्ल्ड कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज। एक कन्वेंशन था, एक इंटरनेशनल ट्रीटी थी, ये ट्रीटी जो साइन हुई थी जिसमें ये कन्वेंशन था कि फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ व्हाट, किस चीज की प्रोटेक्शन के लिए? कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज। अब आपको पता होना चाहिए कि कल्चरल और नेचुरल हेरिटेज में क्या फर्क होता है। देखो, नेचुरल मींस जो कुदरती और कल्चरल मींस मैन मेड। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। कल्चरल हेरिटेज की साइट एग्जांपल, जैसे हमारे इंडिया में ताजमहल, ये क्या है? कल्चरल। और नेचुरल की, जैसे कोई भी नेशनल पार्क, कलिडियो नेशनल पार्क, ये क्या है? एक नेचुरल साइट है, ये कुदरती बनाई है, इसमें ह्यूमन एफर्ट्स नहीं है, मैन मेड एफर्ट्स नहीं है। जिन चीजों में मैन मेड एफर्ट्स होगा और जो हमने अडॉप्ट की है, जैसे ताजमहल बना, वो तब कब बना था और तब से आज तक चला आ रहा है, जैसे वेरियस म्यूजिक हो गया, वेरियस डांस हो गए, वेरियस आर्ट हो गया, हमने देखा आर्ट एंड आर्किटेक्चर में हमने पढ़ा था, जो भी पोट्री, ये सारा क्या है? ये हमारा कल्चरल हेरिटेज है। और नेचुरल हेरिटेज जो, जिसमें ह्यूमन एफर्ट्स ना हो, जो कुदरती हो, नेचुरली हो, तो उन सभी को प्रोटेक्ट करने के लिए एक कन्वेंशन साइन किया था और उस कन्वेंशन को यूनेस्को ने अडॉप्ट किया था इन 1972। ठीक है, और जिसके चलते यूनेस्को क्या करता है, पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स रिकॉग्नाइज्ड करता है और उनको कंजर्व और प्रोटेक्ट करता है। समझ आ गया? यूनेस्को का मींस जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं इंडिया में, उसको कौन आइडेंटिफाई करता है? यूनेस्को। अंडर विच कन्वेंशन? दैट इज कन्वेंशन कंसर्निंग द प्रोटेक्शन ऑफ द वर्ल्ड कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज। और कल्चरल और नेचुरल हेरिटेज, जैसे आगरा फोर्ट। आगरा फोर्ट क्या है? आगरा फोर्ट जो है वो एक कल्चरल साइट है, बिकॉज मैनमेड। जैसे नेशनल पार्क जो है वो क्या है? जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ये देखो, देखो आगरा फोर्ट क्या है? दिस इज व्हाट? दिस इज कल्चरल। अब मैं आपको यहां पे देखो, चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क, दिस इज व्हाट? नेचुरल पार्क हो गया ये, नेचुरल। या आप कह सकते हो, देखो ये नेचुरल, ये है वो नहीं है नेचुरल। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, क्योलेडियो नेशनल पार्क, उसके बाद
मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नंदा देवी सुंदरबंस नेशनल पार्क, वेस्टर्न घाट, दीज आर नेचुरल एंड दीज आर कल्चरल मीन्स मैन मेड. रानी की वह रेड फोर्ट, कुतुब मीनार, मोनूमेंट रेलवे ऑफ इंडिया, खजुराहो ग्रुप ऑफ मोनूमेंट, जयपुर सिटी, हुमायूं टॉम्स, हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद, दीज ऑल आर कल्चरल साइट्स एंड दीज आर नेचुरल. और एक होती है मिक्स्ड, वो भी मैं आपको बताता हूं. समझ आ गया, इतना हो गया. और अब आगे देखो, हमारे यूनेस्को ने हमारे इंडिया में टोटल 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आइडेंटिफाई की हैं. कितनी? टोटल 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आइडेंटिफाई की हैं. और इन 38 में जो है 30 जो है वो है कल्चरल, ठीक है, 7 जो है वो है नेचुरल जो अभी मैंने बताया, और एक जो है वो है मिक्स्ड. मिक्स्ड मतलब जिसमें नेचुरल का भी कुछ पार्ट हो और कल्चरल का भी कुछ पार्ट हो. मिक्स्ड साइट मींस नेचुरल एंड कल्चरल कॉम्बिनेशन. अब इन ये जो 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, इनमें आपको क्या क्या याद रखना है? सबसे पहले कौन सी साइट, उसका नाम और किस पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग करती है और उसकी क्या खासियत है, बस ये याद रखना आपको. और उसको कब वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था बाय यूनेस्को, बस ये तीन चीजें याद रखनी है, और चीजें आपको याद नहीं रखनी है. समझ आ गया, बताता हूं मैं कैसे. जैसे ये देखो, देखो ये टोटल, देखो कल्चरल कितनी है यहां पे, देखो ये मैं इंडियन गवर्नमेंट वेबसाइट है. कल्चरल टोटल कितनी है? 38 टोटल कल्चरल कितनी है? 30 दिख रहा है सभी को? ठहरो, अब दिख रहा होगा, ठीक है. अब देखो कल्चरल कितनी आ गई, टोटल 38. कल्चरल में कौन कौन सी, जैसे आगरा फोर्ट एक, अजंता केव्स, फिर आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ नालंदा महाविहारा एट नालंदा बिहार में, ठीक है, फिर उसके बाद बुद्धिस्ट मोन्यूमेंट्स एट सांची, फिर चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क, फिर छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जिसको पहले विक्टोरिया टर्मिनस बोला जाता था, चर्चिस एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा, एलिफेंटा केव्स, इलोरा केव्स, फतेहपुर सिकरी, ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स, ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट्स एट हम्पी, फिर हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान, हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद, हुमायूं टॉम्स दिल्ली, जयपुर सिटी राजस्थान, खजुराहो ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट्स, महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स एंड बोध गया, फिर माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया, फिर कुतुब मीनार एंड इट्स मोन्यूमेंट्स दिल्ली में, फिर रानी की वह द क्यून स्टेप वेल एट पटन गुजरात में, फिर रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स, फिर रॉक शेल्टर ऑफ भीमबेटका, फिर उसके बाद सन टेम्पल कोणार्क, ताजमहल एंड आर्कियोलॉजिकल वर्क ऑफ ली कार्बूजियर एंड आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन. ये ली कार्बूजियर हमने पढ़ा था, फेमस आर्किटेक्ट, जंतर मंतर जयपुर में, और विक्टोरिया गोथिक एंड आर्ट डेको सेम्बलम्स ऑफ मुंबई. ये सारी क्या है हमारी, दीज आर कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया. अब आप देखोगे इनके आगे डेट भी लिखी हुई है, इसको 2018 में, इसको 2010 में, इसको 2016 में, इसको 1983 में, इसको 1984 में. ये सारी डेट्स क्या लिखी हैं? दिस डेट्स टेल यू द व्हेन दिस वाज डिक्लेयर्ड एज यूनेस्को. और आप ये जाके पढ़ सकते हो, कहां पे आप देख सकते हो, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स .unesco.org. यहां पे आप जाओगे इस साइट पे और आपको ये सारी डिटेल दिख जाएंगी. अब देखो नेचुरल कौन कितनी है, टोटल नेचुरल 7 हैं, और वो कौन कौन सी हैं ये देखो, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कंजर्वेशन एरिया 2014 में इसको डिक्लेयर किया गया था, काजीरंगा नेशनल पार्क 1985 में, कैलिडियो नेशनल पार्क 1985 में, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1985 में, नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क 1988 और 2005 में, सुंदरबंस नेशनल पार्क 1987 में, और वेस्टर्न घाट्स 2012 में. ये आ गई हमारी नेचुरल, और एक है हमारी मिक्स्ड साइट दैट इज कंचनजंगा नेशनल पार्क 2016. क्लियर हो गया, समझ आ गया, इसमें कोई डाउट? अब हम एक एक करके थोड़ा थोड़ा सा देखेंगे. सबसे पहले हम देखते हैं मिक्स्ड साइट, ठीक है, मिक्स्ड साइट.
इसको क्लिक किया, देखो ये आ गया कंचनजुंगा नेशनल पार्क। इट इज लोकेटेड एट द हार्ट ऑफ द हिमालयन रेंज इन नॉर्दर्न इंडिया। कहां पे? स्टेट ऑफ सिक्किम में। पहला पॉइंट ये याद रखना है आपने, ठीक है। कहां पे है कंचनजुंगा नेशनल पार्क, जो मिक्स साइट है, दैट इज स्टेट ऑफ सिक्किम में, ठीक है। अब इसके आगे आपको कुछ याद नहीं रखना है, इसमें एक आपको यही याद रखना है कि इसी कंचनजुंगा नेशनल पार्क में जो वर्ल्ड थर्ड हाइएस्ट पीक है, दैट इज माउंट कंचनजुंगा, वो यहीं पे लाई करती है। बस इससे ज्यादा आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, समझ आ गया। अब मैं इसके रिलेटेड आपको देखता हूं, अगर वीडियो होगी तो वीडियो दिखाता हूं। नहीं, यहां पे वीडियो नहीं है, ठीक है। ये आ गया समझ आपको क्या पढ़ना है। एक आपको कंचनजुंगा नेशनल क्या है, नेचुरल साइट है, और दूसरा कहां पे है, दैट इज स्टेट ऑफ सिक्किम में। अब आ जाओ दूसरा, अब आ जाओ नेचुरल साइट, नेचुरल साइट्स में आ जाओ। सबसे पहले ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कंजर्वेशन एरिया, ठीक है, ये आ गया ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कंजर्वेशन एरिया। यहां पे देखो, दिस नेशनल पार्क इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द हिमालय माउंटेन्स इन द नॉर्दर्न इंडियन स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। कहां पे है? हिमाचल प्रदेश। कहां पे है? ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क कंजर्वेशन एरिया कहां पे है? दैट इज इन द नॉर्दर्न स्टेट ऑफ इंडियन, दैट इज हिमाचल प्रदेश। समझ आ गया, एक ये पॉइंट याद रखना है। दूसरा पॉइंट इसमें मैं आपको ठहरो, इससे ज्यादा आपको कोई जरूरत नहीं है याद रखने की, यह आपके काम नहीं आएगा, ठीक है। अब आ जाओ अगेन नेक्स्ट, काजीरंगा नेशनल पार्क कब? 1985 में। अब देखो क्या है काजीरंगा नेशनल पार्क, देखो क्या पॉइंट याद रखना है, दैट इज इन द हार्ट ऑफ आसाम, आसाम में है, ठीक है। कहां पे? आसाम में। समझ आ गया, काजीरंगा नेशनल पार्क कहां हो गया? आसाम, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, कैलिडियो नेशनल पार्क 1985 को इसको डिक्लेयर किया गया था। देखो कहां पे है, दिस फॉर्मर डक हंटिंग रिजर्व ऑफ द महाराजा इज वन ऑफ द मेजर विंटरिंग एरिया फॉर लार्ज नंबर ऑफ एक्वेटिक बर्ड फ्रॉम अगन। दिस एक यहां पे आपको एक याद रखना है, कैलिडियो नेशनल पार्क यहां पे एक इंपॉर्टेंट रेयर साइबेरियन क्रेन हैव बीन रिकॉर्डेड इन द पार्क। यहां पे जो साइबेरियन क्रेन है एक रेयर, वो इसको यहां पे कहां पे आता है, कैलिडियो नेशनल पार्क में। क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, बस इतना इतना जो जो मैं बता रहा हूं इसका सिर्फ इतना इतना ही याद रखना है, इससे ज्यादा याद रखने की कोई जरूरत। नेक्स्ट आ गया मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखो, ठीक है। इसमें क्या याद रखना आपको, फुट हिल्स ऑफ हिमालयस में है, कहां पे और क्या है, इज होम टू ए ग्रेट वैरायटी इंक्लूडिंग एंडेंजर्ड स्पीशीज। जैसे इसमें कुछ एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, जैसे पिग्मी हॉक, ये आपको याद रखना है, जो मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मिलता है पिग्मी हॉक और इंडियन डायनासोर्स एंड इंडियन एलिफेंट। ये एक इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक फीचर है मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, और आपको ये याद रखना है ये कहां पे है, दैट इज स्टेट ऑफ असम में। और डेट ऑफ इंस्क्रिप्शन का भी इसको बोला गया था, दैट इज 1985 में। समझ आ गया, क्लियर हो गया, ये कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। अब आ जाओ नेक्स्ट, नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। देखो नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, इसमें देखो कहां पे है, स्टेट ऑफ उत्तरांचल, और डेट ऑफ इंस्क्रिप्शन 1988, और इसी का कुछ एरिया और एक्सटेंड किया गया था, दैट इज इन 2005। तो दो रिलेटेड इसमें रखने हैं, दैट इज नंदा देवी एंड द वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क कहां पे है, स्टेट ऑफ उत्तरांचल, और 1988 में इसको, और इसको एरिया जो था और एक्सटेंड किया गया था 2005
5 में। क्लियर हो गया, चलें आगे। बस यही याद रखना, इससे ज्यादा याद रखने की कोई जरूरत नहीं, कोई नहीं पूछेगा। ठीक है, आ जाओ सुंदरबंस नेशनल पार्क। सुंदरबंस नेशनल पार्क कहां पे है? वेस्ट बंगाल। डेट ऑफ इंस्क्रिप्शन कब है? 1987, दिख रहा है ना सबको? और 1987, बस यही याद रखना है। ठीक है, क्लियर हो गया कि सुंदरबंस नेशनल पार्क कब वेस्ट बंगाल में है, डेट ऑफ इंस्क्रिप्शन 1987। चलें आगे, और यहां पे क्या है? वर्ल्ड लार्जेस्ट एरिया ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट। मैंग्रोव फॉरेस्ट का ये वर्ल्ड लार्जेस्ट एरिया है, कहां? सुंदरबंस नेशनल पार्क में। ठीक है, चलो आगे। अब नेचुरल में लास्ट आ गई, दैट इज वेस्टर्न घाट्स। देखो वेस्टर्न घाट्स, ये एक, ये देखो आप मैप देखोगे अगर इंडिया का, यहां पे आप देख रहे हो अगर मैप, यहां देखो ये जो बेल्ट है पूरी, यहीं पे है वेस्टर्न घाट्स। ये जो बेल्ट है पूरी, ये है वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, ये सारा वेस्टर्न घाट्स है। ठीक है ना, ये बेल्ट दिख रही है आपको इंडिया की मैप की, ये सारा का सारा वेस्टर्न घाट्स है। ठीक है, और ये इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ यूनेस्को नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया। क्लियर हो गया, चलो आगे। मिक्स्ड भी होगी और हमारी नेचुरल भी होगी। अब हम आ जाते हैं अपनी कल्चरल साइट्स में। कल्चरल साइट्स में जो सबसे पहले है वो है आगरा फोर्ट। आगरा फोर्ट मैं आपको सबसे पहले इसकी वीडियो दिखाता हूं, फिर आप देखें, यू विल थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा आपको। My favorite queen passed away at such a young age. I built her mausoleum of bright white marble and wanted it to look like a heaven on earth. The Red Fortress of Agra sits on the opposite bank of the Yamuna River, a tributary of the Ganges. It was built in the 16th century. I'm the fifth Mughal Emperor Shah Jahan. Yeah, Red Fort. The fort was built by my grandfather, the third. This is Red Fort. Fortifications stretched over 2.5 kilometers and were impenetrable, a symbol of the absolute power of the Mughal Empire. The castle walls were made of blocks of red sandstone. Agra Fort is the Red Fort. The red symbolized the might of the Mughal Empire. I came to the throne 50 years after the fortress walls were built. I used white marble for building and decoration inside the castle. I listened to the appeals of my people and judged their cases in this room. Beautifully decorated arches surround my marble throne. I also built this mosque. It was later known. देखो ये मॉस्क है जो आगरा फोर्ट के अंदर है, मॉस्क। This is mosque inside the Agra Fort. This is my bed chamber. It was also used as a living room. The walls and ceiling were decorated in gold. My many other wives lived in the residences surrounding the room. It was a harem with a beautiful garden. This mosque was made for my queens. It's known as the Gem Mosque. The sheer white must have calmed and purified their minds. However, the dream came to an end. I was imprisoned in this tower. ठीक है, ये था आपको आगरा फोर्ट के बारे में। ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें आपको क्या याद रखना है आगरा फोर्ट के बारे में। देखो यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट एक दो पॉइंट्स ही याद रखने हैं। सबसे पहले, नोन एज द रेड फोर्ट ऑफ आगरा, दिस पावरफुल फोर्ट्रेस रेड सैंडस्टोन। ठीक है, पहला पॉइंट, आगरा फोर्ट, दैट इज रेड फोर्ट ऑफ आगरा, किससे बना हुआ है? रेड सैंडस्टोन। आपने देखा सारा रेड ही रेड है। ठीक है, उसके बाद यहां पे क्या क्या है?
जहांगीर पैलेस है, खास महल है विच वॉज बिल्ट बाय शाहजहां, जहांगीर पैलेस और खास महल विच वॉज बिल्ट बाय शाहजहां। उसके बाद ऑडियंस हॉल है जैसे दीवाने खास हो गया, फिर इवन की टू वेरी ब्यूटीफुल मॉस्क जो जिनमें से एक मैंने अभी आपको दिखाई, दिस इज अबाउट द आगरा फोर्ट। और इसमें आपको आगरा फोर्ट में और क्या पॉइंट याद रखना था, मैंने आपको बताया था कि डेट जो रखना था कि आगरा फोर्ट को जो दर्जा दिया गया था यूनेस्को के द्वारा, दैट इज कब दिया गया था, ये देखो कहाँ पे है। अब देखो उत्तर प्रदेश की आगरा डिस्ट्रिक्ट में, और डेट ऑफ इंस्क्रिप्शन क्या थी 1983। बस ये तीन चार चीजें याद रखनी, आगरा फोर्ट कहां पे, उत्तर प्रदेश आगरा डिस्ट्रिक्ट, और डेट ऑफ इंस्क्रिप्शन क्या थी 1983, और बताया मैंने रेड फोर्ट ऑफ आगरा, रेड सैंडस्टोन, और इसके अंदर और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बस ये, बस और कुछ याद नहीं रखना आपको। क्लियर, चलें आगे। दूसरा देखो अजंता केव्स, पहले मैं आपको वीडियो दिखाता हूं, देन historical transitions in Buddhist art. Ajanta Cave. During the 19th century, about 30 rock cave temples of various sizes were discovered by a British man in the dense forest of the Deccan Plateau in India. This temple cave complex describes the rise and fall of Buddhist art in India. The caves were carved out in two separate phases. The early caves date back to between the 2nd century BC and the 1st century AD. These are caves. ये सारी केव्स हैं। आप देख सकते हो इसने बोला कि ये क्या है, दिस आर विहारास। ये देखो ये दिख रहा है जो आपको, ये विहारास हैं, ये बेड बने हुए हैं जहां पे जो मॉन्क्स थे वो सोते थे। विहारास मीन्स जो उनका रेस्टिंग प्लेस होती थी, और एक और होता था, एक और थी प्रेयर्स के लिए, ठीक है, चैत्यास एंड विहारास। ये जो थी ये विहारास थी, और दूसरी जो थी देखो ये विहारास, दिस आर बेड जहां पे वो मॉन्क्स जो थे, दीस आर चैत्यास जहां पे वो प्रेयर करते थे, दीस आर केव्स। यहां पे देखो यहां पे स्तूपाज होते थे, ठीक है, ये स्तूपाज है जिसकी वो पूजा करते थे। Some of the caves were made hundreds of years later in the 5th and 7th centuries. They were very different in style from... और ये जो थी वो लेटर केव्स थी जहाँ पे बुद्धा का स्टैचू बना हुआ था। This is also चैत्यास केव्स, means prayer caves. The sculpted representation of Buddha. बस इतना विजुलाइज बहुत है आपके लिए। अब मैं आपको बताता हूँ, अब देखो अजंता केव्स, ठीक है, कहाँ है, महाराष्ट्र स्टेट औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, सोयागांव तालुका और लीनापुर विलेज यहाँ पे है। डेट ऑफ इंस्क्रिप्शन कब है, दैट इज 1983 में, ये फैक्ट। उसके बाद दीस आर बुद्धिस्ट केव्स, क्या है ये, दीस आर बुद्धिस्ट केव्स, क्या बोला मैंने, इनमें क्या है, जो भी इन अजंता केव्स में आपने देखा क्या थे, बुद्धा के स्टैचू थे ना, तो ये जो सारी की सारी केव्स थी, दीस आर रिलेटेड टू बुद्धिज्म। तो अजंता केव्स आर रिलेटेड टू बुद्धिस्ट, और कहां पे हैं, महाराष्ट्र स्टेट औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, और डेट ऑफ इंस्क्रिप्शन 1983, बस इससे ज्यादा नहीं आपको याद रखना है। चलो आगे, नेक्स्ट देखो आर्कोलॉजिकल साइट ऑफ नालंदा महाविहारा एट नालंदा महाविहार। देखो यहां पे आपको क्या याद रखना है, इसमें सबसे पहले ये देखो कहां पे है, बिहार में ही है ये देखो, ये जो एरिया है ये बिहार का एरिया है, यहां पे दिख रही है आपको बिहार में, ठीक है। और उसके बाद डेट ऑफ इंस्क्रिप्शन क्या है इसका, दूसरा ये याद रखना है, दैट इज 2016,
क्या है 2016, इट इज़ आ डेट ऑफ इंस्क्रिप्शन। उसके बाद कहाँ, ये देखो यहाँ पे इट इज नालंदा महाविहारा, बिहारा क्या है, दैट इज रेस्टिंग प्लेस, इट इज इन द स्टेट ऑफ बिहार। क्लियर हो गया। कब बनी थी, दैट इज 3rd century BCE to 13th century CE। इसमें इस ये जो आर्कोलॉजिकल साइट नालंदा महावीरा, इसमें क्या क्या है, स्तूपास हैं, श्राइन्स हैं, उसके बाद विहारास। विहारास क्या है, दीज आर रेजिडेंशियल एंड एजुकेशनल बिल्डिंग्स। बस आपको इतना ही याद रखना है, आर्कोलॉजिकल साइट ऑफ नालंदा महाविहारा एट नालंदा कहाँ, बिहार में, एंड इट्स डेट ऑफ इंस्क्रिप्शन इज 2016। बस दैट्स इनफ। नेक्स्ट देखो, दैट इज बुद्धिस्ट मोन्यूमेंट्स एट स्तूपा सांची, बुद्धिस्ट मोन्यूमेंट्स एट सांची। अब यहां पे मैं आपको दिखाता हूं, सबसे पहले आपको कौन सी स्टेट में है ये बुद्धिस्ट मोन्यूमेंट्स एट सांची, दैट इज इन स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, और डेट ऑफ इंस्क्रिप्शन क्या थी, दैट इज 1989। अब यहां पे क्या है, देखो द साइट ऑफ सांची कंप्राइज अ ग्रुप ऑफ बुद्धिस्ट मोन्यूमेंट्स, कि यहां पे क्या है, ये जो बुद्धिस्ट मोन्यूमेंट्स हैं सांची में, वेरियस मोन्यूमेंट जिसमें क्या क्या है, पिलर्स हैं, पैलेसेस हैं, टेंपल्स हैं और मोनेस्ट्रीज हैं। अब मैं देखता हूं अगर इसके लिए, ये देखो वीडियो में दिखाता हूं आपको मैं, नेट स्लो हो गया। देखो, दीज आर बुद्धिस्ट मोन्यूमेंट्स ऑफ सांची, यहां पे क्या है, स्तूपास हैं, वेरियस वेरियस पिलर्स हैं। ये देखो, ये है, ये सांची में जो बुद्धिस्ट मोन्यूमेंट्स हैं, ये स्तूपा है। ये स्तूपा क्या होता था कि यहाँ पे बुद्धा होते थे, उनके जो भी रेलिक्स होते थे, उनके दांत, उनकी अस्थियां रखी जाती थी। ये देखो, ये उसके वेरियस गेट्स हैं। तो ये क्या है, सांची में स्तूपा है, दैट इज बुद्धिस्ट मोन्यूमेंट्स एट सांची। ठीक है, वेरियस कार्विंग्स हुई हैं, डिफरेंट डिफरेंट यक्ष यक्षिणी, ये मैंने आपको बताया है क्या है। तो ये सारा क्या है, बुद्धिस्ट मोन्यूमेंट एट सांची। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट। दैट इज चंपानेर पावागढ़ आर्कोलॉजिकल पार्क। सबसे पहले कौन सी स्टेट में है, दैट इट इज इन द स्टेट ऑफ गुजरात, डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंचमहल। ठीक है, एंड डेट ऑफ इंस्क्रिप्शन कब इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स बोला गया था, इट इज इन 2004। यहां की क्या खासियत है, इट इज ए जिसमें प्री हिस्टोरिक साइट्स हैं, उसके बाद एक अर्ली हिंदू कैपिटल थी, एंड रिमेन्स ऑफ द 16th सेंचुरी कैपिटल ऑफ द स्टेट ऑफ गुजरात। बस इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं याद रखना है। यहाँ क्या है, चंपानेर पावागढ़ आर्कोलॉजिकल पार्क, इसमें आपको याद रखना है ये किस स्टेट में है, इट इज़ द स्टेट ऑफ गुजरात, और इट्स डेट ऑफ इंस्क्रिप्शन दैट इज 2004। बस इससे ज़्यादा और चीज़ें आपको याद नहीं रखनी है, आपको इससे ज़्यादा नहीं पूछेंगे। वीडियो दिखा देता हूं मैं आपको, ये इंटरनेट क्यों नहीं चल रहा, ये देखो, दिस इज सी, दिस इज पावागढ़ आर्कोलॉजिकल पार्क, आप देख सकते हैं ये पार्क है। बस जिसमें वेरियस वेरियस बिल्डिंग्स हैं, ठीक है,
चलो आ जाओ नेक्स्ट। ये ठीक है, आज अभी तक हमने जो पढ़ा यूनेस्को के रिलेटेड कि यूनेस्को कैसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स रिकॉग्नाइज्ड करता है, और उसने इंडिया में टोटल 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं जिसमें 30 कल्चरल हैं, कल्चरल और नेचुरल में डिफरेंस बताया, और कुछ साइट्स हमने पढ़ी, बाकी जो साइट्स रहेगी हम आगे लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।